जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, बिहारी शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती के विवाह उत्सव के ऊपर है, जिसको कि शीतल षष्ठी के नाम से जाना जाता है और ये पश्चिम ओडिशा का एक गण पर्व है। महादेव और देवी पार्वती का विवाह जो उत्तर भारत में होता है वो महाशिवरात्रि के दिन होता है, और बहुत जगह पर भी महाशिवरात्रि के दिन माँ की और प्रभु महादेव की विवाह उत्सव पालन किया जाता है। लेकिन पूर्व भारत में ये ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, महादेव की जो विवाह होता है पंचमी को मनाई जाती है, लेकिन उत्सव जो पालन होता है वो षष्ठी को होता है, उसको शीतल षष्ठी कहते हैं। और ख़ासकर ये उड़ीसा के जो पश्चिम हिस्सा है, पश्चिम उड़ीसा, वहाँ का ये गण पर्व है, वहाँ पर वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और बंगाल में इस दिन जामाई षष्ठी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में जो शीतल षष्ठी होता है या फिर शीतला षष्ठी होता है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो डाला था, वो होता है शीतला षष्ठी। और ये जो अरण्य षष्ठी है जिसको कि शीतल षष्ठी कहते हैं उड़ीसा में, तो ये फ़र्क होता है शीतला षष्ठी और शीतल षष्ठी में फ़र्क होता है। तो ये जो शीतल षष्ठी होता है ये भगवान देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का विवाह उत्सव होता है। जिस तरीके से हम इंसानों का विवाह होता है उसी तरीके से माँ का और प्रभु महादेव का विवाह होता है। जो कन्या पक्ष होते हैं वो माँ पार्वती को अपनी बेटी के रूप में स्वीकारते हैं, और कोई आम इंसान ही होता है जो माँ पार्वती को अपने बेटे के बेटी के रूप में स्वीकार करता है, और कोई एक जोड़ा होता है जो प्रभु महादेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। और उस एरिया में जितने सारे महादेव के मंदिर होते हैं उतने ही मतलब महादेव वर होकर निकलते हैं, और उतनी ही जगह पर माँ पार्वती के साथ उनका विवाह होता है। जितना महादेव मंदिर उतने बाराती और उतनी ही माँ पार्वती के साथ उनका विवाह होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसी दिन विवाह उत्सव होता है। उसी दिन महादेव पूरे सज धज कर अपने सखा सहोदर के साथ निकलते हैं। जैसा मैंने कहा कि जितना पड़ा उतना ही वर निकलेंगे। माता अगर एक गांव में 10 महादेव मंदिर है तो 10 जगह से बारात निकलेगी, और 10 कन्या पक्ष ही होंगे जहाँ पर भगवान जाएंगे। 10 जोड़े ऐसे होंगे जिन्होंने माँ पार्वती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकारा होगा, वो जाएंगे। और जो ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है उस दिन भगवान जी का निर्बंध होता है, जो सगाई है कहते हैं वो होता है, और उसको कहा जाता है पौतरपिंडी। उसके बाद विवाह के दिन बारात निकलता है, और उस बाराती में बाराती होते हैं जो भी आसपास के दूसरे मंदिर होते हैं, कृष्ण मंदिर हो गया, देवी भगवती का मंदिर है, हनुमान जी, और जहाँ जहाँ जो भी मंदिर हैं वो सारे भगवान इस बारात में शामिल होते हैं। और उसके बाद विवाह कार्य शुरू होता है, और जिस तरीके से उड़िया में विवाह होता है उसी तरीके से वहाँ पर गठबंधन होता है। भगवान जी को सामान भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं जौतुका। हर उस प्रथा और परंपरा को निभाया जाता है जो कि एक आम शादी में होता है, आम विवाह में होता है, वही देवी देवताओं के विवाह में भी होता है। और उसके बाद महादेव और देवी पार्वती का दर्शन के लिए सहण मेला होता है, जहाँ पर देवी और महादेव का जुगल दर्शन होता है, मतलब एक साथ उनके दर्शन किए जाते हैं। और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा पश्चिम उड़ीसा उत्सव मुखर रहता है। और उसके नेक्स्ट डे जिस दिन शीतल षष्ठी होता है उसी दिन महादेव प्रोसेशन के साथ मतलब पटवार के साथ देवी पार्वती को लेकर अपने मंदिर में वापस आते हैं, और उस दिन भी बहुत उत्सव जैसा माहौल होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सारे उड़ीसा के जो लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य हैं, और जो कलाकार हैं वहाँ पर वो परिवेशन करते हैं, और बहुत दूर दूर से किन्नर भी उसी दिन भगवान जी के प्रोसेशन में जो निकलता है शोभा यात्रा उसमें नाचने के लिए आते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा धारणा है, उनका मानना है कि अगर वो भगवान जी के सामने सेवा प्रस्तुत करेंगे तो उनको किन्नर की जो जीवन है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। वैसे तो माँ को यहाँ पर जगत जननी के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन महादेव को और देवी पार्वती को अपने पुत्री के और दामाद के रूप में स्वीकार करके उनका विवाह कराना एक सौभाग्य की बात होती है। हर साल नया जोड़ा चुना जाता है वर पिता बनने के लिए, माता बनने के लिए, और कन्या के पिता माता बनने के लिए, और वो उसी तरीके से ही विवाह करते हैं जैसा एक बेटी का विवाह होता है। हर वो चीज़ दिया जाता है जिस तरीके से हम अगर बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी के साथ विदाई में देते हैं, हर वो चीज़ दिया जाता है।
और ये कोई प्रतीकात्मक विवाह नहीं होता, प्रॉपर तरीके से विवाह होता है। और जैसा मैंने कहा कि पश्चिम उड़ीसा का गण पर्व है और पूरे उड़ीसा में उस दिन शिव विवाह होता है, शिव पार्वती का विवाह उसी दिन होता है, लेकिन पश्चिम उड़ीसा में बहुत भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है। उड़ीसा के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग इस दिन शामिल होने आते हैं इस शोभा यात्रा में भगवान जी के जुगल दर्शन के लिए। बहुत ही मान्यता है इस दर्शन की, जुगल जोड़े के आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दूर दूर से जैसा मैंने कहा कि लोग आते हैं। और इसी दिन उड़ीसा में शीतल षष्ठी है और बंगाल में इसको जामई षष्ठी और अरण्य षष्ठी के रूप में मनाया जाता है, और इसके ऊपर वीडियो मैं कल लाऊंगी। तो ये थी शीतल षष्ठी के ऊपर छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।